ये एचपी का एचपी प्रो डेस्क 600G3 मिनी पीसी है, और इस पीसी को हम ऑन करते हैं और इसमें चेक करते हैं कि प्रॉब्लम जो है क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो चलिए इसको हम एक बार ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद ही ये देखिए पोस्ट एरर कुछ इस प्रकार का आ रहा है, जो कि फैन डिटेक्शन एरर है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज घर बैठे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं खुद ही। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले इसका पावर केबल, HDMI केबल, USB, कीबोर्ड, माउस सबको रिमूव कर लेना है। उसके बाद इसको अनलॉक करके कैबिनेट को बाहर निकालना है, और इसका फैन जो है, फ़ैन का प्रॉब्लम है, तो फ़ैन जो है इसका थोड़ा काफ़ी जाम फैन है, हार्ड चल रहा है। तो आप चाहे तो इसे, ज़्यादा जाम नहीं है अगर आपका फ़ैन, तो आप अपने इसे वाइल वाइल डालकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये मैं इसलिए इसे को ठीक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये फ़ैन जो है जाम है। तो मैं इस फैन को सीधा, इसको देखिए उंगली पे भार पड़ रहा है, जोर जोर लगाने पे ये फ़ैन घूम रहा है। तो मैं सीधा नया फ़ैन को ही रिप्लेस कर दे रहा हूँ। और नया फ़ैन लगाने का तरीका किस प्रकार है और कैसे लगाएंगे, बिल्कुल वीडियो में ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल ही आसान है लगाना, फ़ैन को लगाना, फ़ैन को और उसके जम्फर को बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देकर लगाना है, क्योंकि जो फ़ैन का जम्फर है उसे लगाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो मतलब पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि उसका पिन अगर टूट जाएगा तो पूरा CPU बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यही मेन जम्फर है जो कि इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे नज़दीक लाकर कैमरा को दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं जम्फर, जो वाइट कलर का जम्फर है, इसी को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे जम्फर पे ध्यान देते हुए अब ये फ़ैन लग चुका है। अब हम पहले, चलिए ये केबल लगा लेते हैं, नहीं अभी केबल नहीं लगाएंगे, कैबिनेट लगाने के बाद इसका केबल लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कैबिनेट को लगा लेते हैं, और कैबिनेट लगाने में भी थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है। वो सावधानी क्या है वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये देखिए जैसे ही कैबिनेट लगाते हैं तो आगे का भाग में जो होता है वो लॉक जो होता है, वाइट कलर का फाइबर का निकला हुआ होता है, वो क्या होता है USB के अंदर चला जाता है। उससे क्या होता है USB, फ्रंट USB जो है वो वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे लगाते टाइम यहाँ पे कुछ स्क्रू ड्राइवर या किसी चीज़ की मदद से वो USB में जो वाइट कलर का इसका लॉक अंदर जा रहा है उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के उसको दबा देंगे, तो फिर वो USB में नहीं, USB के नीचे चला जाएगा। तो ये देख सकते हैं अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये HP का प्रोडेस्क 600G3 है CPU, जो कि मैं इसका बैक साइड भी वीडियो को लास्ट में दिखा दूंगा, इसका सीरियल नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है। पहले मैं सभी कनेक्शन को लगा लेता हूँ, और लगाने के बाद इसे एक बार अब पावर देके ऑन कर लेते हैं। ये देखिए अब इसको ऑन करते हैं। अब जो फैन का प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है, तो ये जैसा कि ऑन किए ऑन हो गया, विंडोज़ भी इसका ऑन हो चुका है। तो अभी तक
जो फ़ैन का प्रॉब्लम आ रहा था, फ़ैन डिटेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। ये पुराना फ़ैन है, इस फ़ैन की वजह से सीपीयू काफ़ी हीट हो जाता है और थोड़ी थोड़ी देर में बंद हो जाता है। तो जब फ़ैन का प्रॉब्लम हो तो इमिडिएटली उसको रिप्लेस ही कर दें, तभी चलाएं। अगर नहीं रिप्लेस कीजिएगा तो आपको सीपीयू का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये मेरा HP प्रोडेक्स प्रो डेस्क जो मॉडल है वो मैं सीपीयू में दिखा चुका हूँ, और बाकी इसका मॉडल वॉडल सब